बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फूड कंपोजिशन टेबल्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर फूड कंपोजिशन टेबल्स। तो सबसे पहले तो हमने ये जहन में रखना है कि एक टाइप का फूड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप दाल की बात कर लें तो दाल में सिर्फ आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे होते, दाल में आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं, विटामिंस भी मिल रहे होते हैं। तो एक टाइप का जो इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ होती है कि कौन सा फूड आइटम जो है किस न्यूट्रिएंट के लिए ज़्यादा मशहूर है, या उस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन ज़्यादा देता है और कैल्शियम ज़्यादा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एग्स की, तो एग्स भी इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि वो फैटी एसिड्स देते हैं और फैट सोल्युबल विटामिंस देते हैं और प्रोटीन देते हैं, ठीक है। अगर हम टोमेटोज़ की बात करें तो वो लाइकोपीन के लिए मशहूर हैं। उसके बाद अगर हम पोटैटोज़ की बात करें तो उनमें स्टार्च कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से सो ऑन। तो आपका एक फूड आइटम जो है किसी न्यूट्रिएंट के लिए मशहूर या पॉपुलर होता है, या ऐसा होता है कि एक फूड आइटम जो है उसके अंदर एक या दो या तीन किस्म के न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो हम ना उनको सिर्फ इस तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर फूड आइटम्स को कि बेसिक हम उनके फूड ग्रुप्स तो बना देते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट या प्रोटीन गिविंग फ्रूट्स, ठीक है। लेकिन हम उन इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि जो सीरियल्स हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, जो मीट है वो सिर्फ प्रोटीन देता है, जो डेयरी है वो सिर्फ कैल्शियम देता है। तो होता यह है कि एक तरह का फूड कंपोनेंट से काफ़ी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ आती है तो यहाँ पे आपकी फूड कंपोजिशन टेबल्स आ जाते हैं। ये ऐसा है कि हर एक न्यूट्रिएंट कंपोनेंट की एनालाइजिंग हुई हुई है, उनको एनालाइज किया जाता है लेबॉरेटरी में, और हर एक फूड कंपोनेंट के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स की कितनी कितनी अमाउंट है वो आपका जो है एक्सक्रीट किया जाता है, आपका वो न्यूट्रिएंट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, अलग अलग करके देखा जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कितनी क्वांटिटी है। माय रिसर्च वाज आल्सो रिलेटिंग टू फूड कंपोजिशन टेबल्स। मैंने एंटी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज़ चेक की थी डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर। तो आप जो हैं ये आपका फूड कंपोजिशन टेबल से आसान हो जाता है, आपको पता चल जाता है। सिंपल आपकी लिस्ट्स बनी होती हैं, हर फूड आइटम के अंदर लिखा होता है कि एक फूड आइटम कितनी एनर्जी दे रहा है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, कितनी प्रोटीन दे रहा है, कितनी फैट दे रहा है। एडिबल पोर्शन ऑफ द फूड। अब फूड कंपोजिशन टेबल्स जो होते हैं वो किसी भी फूड के अंदर फूड का एडिबल पोर्शन कंसिडर करते हैं और उसको वो 100 grams में कंसिडर करते हैं। द फूड कंपोजिशन टेबल्स गिव द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स इन 100 grams ऑफ द एडिबल पोर्शन ऑफ द फूड। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब्ज़ियाँ ले लें तो हम सब्ज़ी सारी नहीं खाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूली लेते हैं बाज़ार से, तो मूली आप जो है उसका छिलका उतारते हैं, नीचे से जो एंड जहाँ से रूट एंड होती है वहाँ से रूट वाला पार्ट काटते हैं, फिर उसके अलावा जहाँ से उसके लीव्स होते हैं सारे वो वाला पार्ट काटते हैं, और फिर जो बाकी बचता है उसको आप जो है इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो फिर हमने जब फूड कंपोजिशन टेबल या हम किसी भी फूड का हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 cup ऑफ कैरेट या 1 carrot अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उसका जितना भी इनएडिबल पोर्शन है वो निकाल के उसको मेजर किया, और मेजर करके उसमें से हमने देखा जितना 100 gram था 100 gram के हिसाब के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको बताया। फिर और फिर हम हर फूड आइटम किसी तरीके से करते हैं कि 100 grams लेके फिर हम मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने पोटैटो लिया, पोटैटो छील के उसका मैंने 100 gram मेजर करके लग दिया, फिर उसके बाद मैंने 2 carrots ली, 2 carrots ले के जितना भी मैंने इनएडिबल पोर्शन निकाला तो उनको मेजर किया तो वो 100 gram तब हुई। फिर उसके बाद मैंने फ्लोर लिया,
फ्लोर 100 ग्राम मेयर किया, उसके बाद मैंने दालें ली वो 100 ग्राम मेयर की, मीट लिया वो 100 ग्राम मेयर किया। तो फिर उसके बाद अब मैं इन सारों में से जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, एक पाउडरी सब्सटेंस है आपका, एक मीट है, एक आपकी दाल है, ग्रेन सब्सटेंस है, तो सबको जो है उसके अंदर से फिर मैंने देखा कि 100 100 ग्राम हर चीज़ के, पोटैटो का, कैरेट का, फ्लोर का, दाल का, ये मीट का, ये सब जो है कितना कितना प्रोटीन दे रहे हैं, उन प्रोटीन को मेयर कर लिया। अब आपस में मैं रिलेट कर सकती हूँ कि इन चारों पांचों इंग्रेडिएंट में, फूड इंग्रेडिएंट में से किसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन था, तो डेफिनेटली पहले मीट आएगा और उसके बाद दाल आएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते होते हैं, हम मेयर करते हैं, हम डिफरेंट फूड आइटम्स का एक स्पेसिफिक एक चीज़ हम कांस्टेंट ले लेते हैं, एक मतलब वेट हम कांस्टेंट ले लेते हैं, या हम कभी कभार कैलोरीज कांस्टेंट ले लेते हैं कि जी हम देखते ही हैं। हम इस तरीके से करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम ले लें कि 100 कैलोरीज, ठीक है, 100 कैलोरीज के हिसाब से। अब 100 कैलोरीज अगर हम मेयर करें, तो हम अगर डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर हम मेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मीट के 2 ounces हों, क्या कहते हैं, चपाती आपकी 2 हों, आपकी जो है मिल्क है वो आपकी 3 cups हों, ठीक है। तो हर 100 100 किलो हम 100 कैलोरीज सबके मेयर कर लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट किसी भी फूड आइटम की 100 कैलोरी देगी, उसको मेयर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उन सबको आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि हर फूड इंग्रेडिएंट में कितना कितना न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये अभी आगे आपको टेबल में दिखाऊंगी, तो उससे भी मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब देखें कुछ फूड, कुछ सम फूड्स सच एज मिल्क, बटर, शुगर, द एडिबल पोर्शन इज 100%, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एडिबल पोर्शन वेरी करता है फ्रॉम 65% टू 98%, ठीक है। तो ये हमने देखना होता है, मिल्क, बटर, शुगर, यहाँ तो हमारा पूरा इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें फ्रूट वेजिटेबल की कट के हट जाती हैं और जो बाकी रह जाता है वो हमारा एडिबल पोर्शन होता है, तो हम हमेशा फूड का एडिबल पोर्शन मैयर करते हैं। फूड्स आर ग्रुप्ड इन द फूड वैल्यू टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट फ्रॉम विच द फूड इज डराइव्ड, फॉर एग्जाम्पल सीड, रूट, लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है। अब फूड को जब हम ग्रुप करते हैं तो हम इस तरीके से मैयर ग्रुप करते हैं, रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स को हम ग्रेन्स के अंदर डालेंगे, ग्रेन्स, ठीक है, और बीन्स में डालेंगे, फ्रूट्स को हम अलग से ग्रुप करेंगे, तो हमेशा फूड का या प्लांट का कौन सा पार्ट है उसके हिसाब से हम फूड को ग्रुप करते होते हैं, ठीक है। और एनिमल फूड्स जो हैं वो ग्रुप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीशीज़, जैसे हम सारी की सारी पोल्ट्री अलग ग्रुप करते हैं, ठीक है, उसके बाद मीट हम सारा का सारा अलग ग्रुप करते हैं, जिसमें काव आ जाता है, पोर्क आ जाता है, ठीक है, डियर आ जाता है, ठीक है, इस तरह से करके। तो हम ना एनिमल फूड्स को हम हमेशा ग्रुप करते होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़, ठीक है। अच्छा, तो ये आप जो है फूड कंपोजिशन, अच्छा, फूड को जब आप ग्रुप कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट ग्रुप्स में उसको ग्रुप करते हैं कि वो फूड जिनकी सेम सेम सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, वो फूड जिनकी अलग अलग सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको अलग में डाल देते हैं। जैसे प्रोटीन कंटेंट ऑफ सीरियल्स वेरीज फ्रॉम 7 to 12, ठीक है, परसेंट, एंड दैट ऑफ दाल एंड लिग्यूम्स वेरी फ्रॉम 17 to 25%। इसका मतलब है जितने भी हम सीरियल्स हैं, जैसे वीट है, राइस है, उसके अलावा आपकी आ जाती हैं जई आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, बार्ले आ जाता है, ठीक है, जौ आ जाता है, ये सब के सब सीरियल्स हैं, तो सीरियल्स को हम हमेशा अलग पोर्शन में मैयर करते हैं, दाल और लेग्यूम्स को हम अलग ग्रुप में मैयर करते हैं, फिर प्लांट्स में हम आ जाएं तो प्लांट्स में हम रूट वेजिटेबल्स को अलग करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स को अलग मैयर करते हैं, ग्रुप करते हैं, फिर अगर मीट में आ जाएं तो हम पोल्ट्री को अलग ग्रुप करते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आप जो है फूड कंपोजिशन टेबल्स बनाते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ओवरऑल न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ कम्बिनेशंस यूज्ड इफ वी नो द अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल फूड्स यूज्ड। अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो ये है कि देखें, जब आप मील प्लानिंग कर रहे होते हैं या अगर आप अपना कोई मील बना रहे होते हैं, तो
होता क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस तरह के 2 से 3 मील्स या ग्रुप्स या फूड डिशेस आपने आपस में ग्रुप करनी है। तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है मील प्लान बना रही हूँ तो मुझे क्या पता होगा कि कौन से फूड में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं किसी पेशेंट का डाइट में फैट कंटेंट मेजर करना चाहती हूँ, मैं उनको लो फैट डाइट देना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि फैट, बटर, ऑयल इन सब के अंदर कितनी फैट है, इसके अलावा जो हमारी नेचुरल फैट है जो सीरियल्स में होती है, जो आपके उसमें होती है वेजिटेबल्स में होती, ऑल द वेजिटेबल्स में नहीं होती वैसे, डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है, ठीक है, मीट में होती है, तो उन सबको भी मैंने मैयर करना होता है, ठीक है। इन सबको जो है मैं किस तरीके से मैं देखती हूँ, मैं इंडिविजुअल, तो फिर मैंने अगर इंडिविजुअल या एक पेशेंट को डाइट प्लान देना है, मैं लंच में, मैं ब्रेकफास्ट में उनको दे देती हूँ टी दे देती हूँ, मैं उनको योगर्ट दे देती हूँ या मिल्क दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सुबह दे दिया, मुझे पता है कि मिल्क में फैट होता है, जब तक मुझे नहीं पता होगा, अब मैंने नेक्स्ट लंच बनाना है और मैंने सोचा हुआ है कि एक इंडिविजुअल को सिर्फ जो है तकरीबन उसकी जो कैलरीज हैं फैट में से वो सिर्फ 10% आनी चाहिए, ठीक है। 10% आनी चाहिए मतलब कि तकरीबन आपकी फैट जो है सिर्फ जो है मैंने मेजर किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप, मैं सिर्फ ये फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैंने मेयर किया हुआ है कि एक पेशेंट जो है दिन में सिर्फ 200 किलो कैलोरीज जो है वो फैट में से लेगा, तो फिर मैं जो है क्या करूँगी, मैं लंच में देखूँगी कि लंच में कितनी कैलोरीज हो गई, उनको मैं माइनस कर दूँगी। अब मैंने जो है सॉरी ब्रेकफास्ट में जितनी कैलोरीज होंगी उनको मैं माइनस कर दूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट में 70 कैलोरीज हो गई, अब मैंने बाकी की जो है आधी आधी करके लंच में देनी है और डिनर में देनी है। तो ये मैं किस तरीके से पॉसिबल होगा मेरे लिए करना, ये मेरे लिए तब पॉसिबल होगा जब मुझे पता होगा कि इंडिविजुअल मैं जो फूड आइटम्स यूज़ करी हूँ उनके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, और उनको आप कैसे देख सकते हैं, फूड कंपोजिशन टेबल से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ भी होती है, क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ है सबको सेम सेम, जैसे सीरियल्स को मैंने इकट्ठे से ग्रुप किया हुआ है, मैंने लिक्यूम्स को इकट्ठे ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं है ना मेयर करना चाहती हूँ कि मैं मेयर करना चाह रही हूँ कि ओट्स जो हैं कितनी कितनी कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन उसी ग्रुप में बाकी सब सीरियल्स की जो है कार्बोहाइड्रेट्स दी हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम जो है वो 30 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा होता है, या आप कह लें कि 1 कप, चलें आप इस तरीके से कर लें, 1 कप अगर वीट है तो 1 कप वीट जो है वो दे रहा है तकरीबन 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो उसके अलावा बार्ले जो है वो दे रहा है 22 ग्राम्स दे रहा है, ठीक है। मेरे पास ओट्स का नहीं है तो मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो तकरीबन 20-30 या 20-15 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आपके पास एक फूड आइटम का प्रॉपर अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जो है जो सिमिलर ग्रुप हैं उन वहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन इतनी इतनी कैलोरीज जो हैं, ये इतना इतना ग्राम मुझे ये न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। सीरियल्स और दालों में वाइटमिन्स नहीं होते, तो देयरफॉर यू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर रिच सोर्स ऑफ दीज टू वाइटमिन्स इन आर डेली मेन्यू ऑफ सीरियल्स एंड दाल्स। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर लो इन कैलरीज। ऑन द अदर हैंड ऑयल्स, फैट्स एंड शुगर्स आर मेनली सोर्सेज ऑफ कैलरीज। तो आप, हम जब फूड कंपोजिशन टेबल होता है तो वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कौन से फूड्स जो हैं वाइटमिन्स दे रहे हैं, कौन से फूड्स में ज़्यादा मिनरल्स हैं, कौन से फूड्स में ज़्यादा कैलोरीज या फैट्स हैं, तो हम आपस में एक अच्छे किस्म का मील प्लान बना सकते हैं जिसमें हम इस तरह के फूड आइटम्स चूज़ करेंगे जिनमें हर तरह की चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाइटमिन्स भी होते हैं। इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड्स डज नॉट वेरी ग्रेटली। अ ग्रेट डील ऑफ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फूड
सेम फूड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बट देर इज़ ग्रेट वेरिएशन इन द कम्पोजिशन ऑफ प्रिपेयर फूड सच एज ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स ड्यू टू वेरिएशन रेसिपीज एंड द बेसिक इन्ग्रीडियंट्स यूज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अच्छा, जितने भी आपके जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके अंदर तकरीबन सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहें कुक्ड फूड को, तो जो कुक्ड फूड जो है वो हर जगह वेरी करता है, क्योंकि सबके कुक्ड फूड की रेसिपीज़ डिफरेंट होती हैं, एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंट होता है और फिर मुल्क और मुल्क के दरमियान भी रेसिपीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जस्ट बिकॉज इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है। तो हम रॉ वेजिटेबल्स या रॉ जो मटेरियल्स हैं उनकी हम एग्जैक्ट कैलरीज या न्यूट्रिएंट्स मेयर कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिपेयर्ड डिश की कैलरीज या न्यूट्रिएंट्स मेयर करना मुश्किल है अनलेस एंड अंटिल एक प्रिस्क्राइब्ड रेसिपी सारे फॉलो करें। ये एग्जांपल है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो सारे फूड ग्रुप्स हैं यहाँ पे, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस दालें हैं, एग्स हैं, मीट चिकन फिश है, मिल्क, रूट्स एंड ट्यूबर्स अलग हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अलग हैं, दूसरी वेजिटेबल्स अलग हैं, फ्रूट्स अलग हैं, शुगर एंड फैट्स ये अलग हैं। तो अब ये डिफरेंट फूड ग्रुप्स हो गए हैं, ठीक है, और हमने क्या किया है, हर फूड ग्रुप में जो जिन आइटम्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको इकट्ठे डाल दिया, ठीक है, जैसे दालें सारी एक ही तरह की होती हैं उनको इकट्ठे कर दिया है, मीट चिकन फिश जो है प्रोटीन पोर्शन होता है उनको अलग कर दिया है, रूट वेजिटेबल्स अलग कर दी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अलग कर दी, शुगर को अलग किया है, फैट और ऑयल को अलग किया है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है हमने पोर्शन ले लिया, कोई भी हम पोर्शन ले लें 30 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ठीक है, इस तरीके से हमने पोर्शन ले लिया। अब हम कोशिश करते हैं अगर हमने इनको आपस में मेयर करना हो तो हम सबका एक ही जैसा पोर्शन लेते हैं, या पोर्शन भी हटा के हम सबकी हम कोशिश करते हैं कि सबकी कैलरीज, मतलब अगर 100 कैलरीज हैं तो वो सेम हो, ठीक है। तो हमने नॉर्मली यहाँ पे देखना है कि अगर हमने 30 ग्राम लिया है सीरियल्स का पोर्शन, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी प्रोटीन है, कितनी कार्बोहाइड्रेट है, कितनी फैट है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल हमने फ्रूट लेने हैं, ठीक है, या हमने शुगर लेनी है, तो शुगर का 5 ग्राम के अंदर 20 कैलरीज होंगी, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स फैट होंगे और उसके अंदर फैट नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फैट ले लें 5 ग्राम में तो 45 किलो कैलरीज होती हैं उसकी, प्रोटीन उसमें नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फैट 5 होता है, 5 ग्राम। तो इस तरीके से आप जो हैं पोर्शन अपना जो है मेयर कर सकते हैं, आप अपना फूड मेयर कर सकते हैं कि उसके अंदर एक फूड आइटम के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। अब आप यहाँ पे आए, ये देखें, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हम लें तकरीबन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पहला लाइन देखें फ्रूट की, ठीक है, तो फ्रूट की हम ले रहे हैं 154 ग्राम, अगर फ्रूट ले रहे हैं तो उसके अंदर 68.5 कैलोरीज हैं, 0.86 ग्राम प्रोटीन है, 16 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 2 ग्राम आपका फाइबर, 0.16 ग्राम आपका पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड और टोटल फैट 1 ग्राम है। तो इस तरीके से करके आपके नॉर्मली जो हैं ये फूड कंपोजिशन टेबल्स होते हैं, नॉर्मली ये फूड की कंपोजिशन बता रहे हैं, किसी भी फूड आइटम को अगर आप लें तो उस फूड आइटम का जो है फूड कंपोजिशन कैसे बताता है, उसकी सर्विंग बताता है, कितनी सर्विंग है, कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, इसके अलावा सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स, ये आगे जो है फिर इसी तरीके से टेबल टच चलता जाएगा विटामिन्स का, मिनरल्स का, ठीक है। और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि एक फूड इंग्रेडिएंट के अंदर अगर हम उसकी एक स्पेसिफिक सर्विंग ले लें या जितनी भी सर्विंग ले लें उसके अंदर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। तो ये आपका बेसिकली फूड कंपोजिशन टेबल होता है। होप आपको ये समझ आ गया होगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मैंने ये कहा
एक फूड के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम जो हैं न्यूट्रिएंट्स, जब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर आपस में फ़ूड को कंपेयर करना हो या वैसे देखना हो कि एक फ़ूड आइटम के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका हमने एडिबल पोर्शन लेना होता है। एडिबल पोर्शन लेके हम उसको नॉर्मली ग्राम्स में या सर्विंग्स में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है जितने भी आपके फूड हैं हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है एक उसका पोर्शन लेके उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें मैयर करते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी लीफी वेजिटेबल्स होंगी अगर उनका 100 ग्राम होगा, पोर्शन होगा, तो वो सब के सब तकरीबन इतनी ही सेम टाइप ऑफ एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप जो है डिफरेंट अपने फूड आइटम्स की अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन है वो मैयर कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय अ फूड इन द रेफरेंस टू इट्स कैलोरी कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन कंपेयर्स द प्रोटीन कंटेंट ऑफ पोर्शन ऑफ दाल, ब्रेड एंड मिल्क, वन कैन सी दैट दाल हैज़ द हाइस्ट न्यूट्रिएंट डेंसिटी फॉर प्रोटीन, देन मिल्क एंड देन ब्रेड। दस न्यूट्रिएंट डेंसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ फूड्स, स्पेशली इन डाइट्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रेगनेंट वुमेन, नर्सिंग मदर्स एंड इन थेरेप्यूटिक डाइट्स फॉर पेशेंट्स। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या हुई? न्यूट्रिएंट डेंसिटी ये है कि हम देखते हैं कि एक ही टाइप ऑफ फूड में, या अगर हमने देखना हो कि एक ही टाइप ऑफ फूड में अगर हमने एक स्पेसिफिक हमने न्यूट्रिएंट चेक करना हो, तो हम देखते हैं कि वो न्यूट्रिएंट जो है किस फूड में सबसे ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है दाल से भी प्रोटीन मिलता है, मिल्क से भी प्रोटीन मिलता है और ब्रेड से भी मिलता है प्रोटीन, ठीक है। तो अगर हम इनकी सिमिलर कैलोरीज ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल दाल का कोई भी पोर्शन है जितना भी हमने ग्राम ली है जिसे 85% कैलोरीज मिलती हैं, उसी तरीके से मिल्क का हम कोई भी पोर्शन लें जैसे हमें सिर्फ 85% कैलोरीज मिलती हैं, और ब्रेड का भी हम कोई पोर्शन लें जैसे हमें 85% कैलोरीज मिलती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड जो है वो वन स्लाइस होगा बड़े वाला सैंडविच ब्रेड का, मिल्क जो है वो हाफ कप होगा, और दाल जो है वो आपकी ग्राइंडेड दाल जो है वो तकरीबन आपके 8 to 9 tablespoons होंगे, ठीक है। तो अगर हम ये देखें और इनको आपस में मेयर करें तो क्या पता चलता है कि 85 कैलोरीज़ में प्रोटीन 5.5% है दाल में, फिर मिल्क में 4 है और फिर ब्रेड में 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपस में कंपेयर करें तो प्रोटीन की न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा दाल में है, फिर मिल्क में और फिर ब्रेड में। इस तरीके से हम आपस में न्यूट्रिएंट डेंसिटी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के अंदर मेयर करते हैं। दिस इज़ द सेम, कुछ सेम एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स हैं, दालें, एग्स, मीट वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर जो है हम सिंपली जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखते हैं कि किस में कितना कितना न्यूट्रिएंट है और कितना कितना प्रोपोर्शन है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल ये सब के सब की एक एक सर्विंग होगी, तो उससे हमें पता लग रहा होगा कि एक सर्विंग में किस में कितनी ज़्यादा कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, कितने मिनरल्स हैं। अब आ जाते हैं फूड एक्सचेंज लिस्ट। फूड एक्सचेंज लिस्ट जो है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बनाए थे, और ये बनाया इसलिए था कि डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प किया जा सके। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में आपने अपनी कार्बोहाइड्रेट, आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी होती है, ठीक है। तो वो आप कैसे कंट्रोल करते हैं, जब आपको पता हो कि हर फूड आइटम के अंदर या हर फूड आइटम कितनी शुगर दे रहा है और कितनी कैलोरीज दे रहा है या कितनी फैट दे रहा है, ठीक है। तो तब एक्सचेंज लिस्ट बनाई गई थी ताकि पेशेंट्स जो हैं अक्लमंदी से चूज़ कर सकें। मैं सीधा आती हूँ, पहले आपको मैं लिस्ट दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, फिर मैं आपको कंटेंट समझाऊँगी। ये देखें, अब अगर मीट एंड मीट सब्सटीट्यूट है, ठीक है, उसके अंदर हमने सेम पोर्शन ले लिया लीन मीट का, वेरी लीन मीट, ठीक है, वेरी लीन, जिसमें बिल्कुल भी आपका फैट नहीं है, तो उसका हम और हमने क्या किया है, और हमने किया है कि अब ये वाला जो ग्रुप है ना, इसमें आज से आप कोई भी
कोई भी अगर आप इंग्रेडिएंट उठा लेते हैं, वो आपको स्पेसिफिकली 7 ग्राम प्रोटीन देगा, 0 to 1 ग्राम फैट देगा, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देगा और 35 कैलोरीज देगा। तो क्या कहते हैं, तो क्या होगा कि अब हमने देखना है कि सिंपली अगर हम डाइट बनाना चाहते हैं, पेशेंट की डाइट बनाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि इसमें से मैं कोई भी अगर फूड इंग्रेडिएंट उठाऊंगी, वो हमें स्पेसिफिकली 7 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और 35 कैलोरीज दे रहा है। तो अगर पेशेंट को एग्स नहीं पसंद, एग सब्स्टिट्यूट भी नहीं पसंद, तो उसकी जगह मैं पेशेंट को फिश दे सकती हूँ, ठीक है, या उतनी ही मैं उनको लिग्यूम या दाल दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ देखना है कि अगर मैं चाहती हूँ पेशेंट को एग्जैक्ट इतने न्यूट्रिएंट्स मिलें, तो मैं ये हाफ कप ही चूज़ करूँगी, ठीक है। और अगर उनको दालें नहीं पसंद, तो मैं जो है कोई भी गेम मीट या चिकन दे सकती हूँ, ठीक है। दाल मैं हाफ कप के बजाय फिर उनको मैं 1 आउंस पे ले आऊँगी, ठीक है। अब वो चिकन खा खा के तंग आ गए हैं, तो मैं उनको जो है चीज़ या पनीर दे दूंगी, ठीक है। वो फिर मैंने हाफ कप देना है, ठीक है, तो 1/4 कप देना है। तो इस तरीके से आप आपस में फूड को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब लीन मीट पे अगर आ जाएं आप, ठीक है, तो लीन मीट भी सेम ये होगा, 7 ग्राम प्रोटीन है, 3 ग्राम फैट है, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 55 कैलोरीज, ठीक है। अब लीन मीट है तो उसमें थोड़ा सा ये बढ़ता है, ठीक है। तो अब लीन मीट, अब इनमें से मैं कोई भी एक चूज़ कर सकती हूँ, सब जो हैं इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, सेम उनकी अमाउंट है, ठीक है, और उनसे मुझे इतना न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका एक्सचेंज लिस्ट, कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप दूसरी चीज़ ले सकते हैं, दूसरी चीज़ पसंद नहीं है तो तीसरी चीज़ ले सकते हैं। मतलब क्या है, मैंने उनको इस तरीके से ग्रुप किया है कि वो सेम न्यूट्रिएंट के अमाउंट्स दें, ठीक है। इसको हम एक्सचेंज लिस्ट कहते हैं, ठीक है। मीडियम फैट मीट, अब वो भी जो है मीडियम फैट में जो है फिर से फैट आपका बढ़ जाता है, और हाई फैट मीट में फैट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और कैलोरीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन प्रोटीन आपका सेम रहता है और कार्बोहाइड्रेट सेम रहती है, ठीक है, सिर्फ फैट पोर्शन बढ़ रहा है। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ से आपके जो है पोर्शंस या कोई भी आपका फूड इंग्रेडिएंट एक्सचेंज कर सकती हूँ किसी दूसरे फूड इंग्रेडिएंट से, लेकिन मुझे न्यूट्रिएंट्स सेम मिलेंगे। इसी तरीके से जो है वन स्टार्च एक्सचेंज, वन स्टार्च, अब वो मीट का था पोर्शन सारा का सारा, ठीक है। अब अगर अब ये स्टार्च का पोर्शन आ गया है, ठीक है। अब स्टार्च के पोर्शन में डिफरेंट फूड ग्रुप्स होंगे, उन फूड ग्रुप्स में वेजिटेबल्स भी आते हैं, उन फूड ग्रुप्स में वो वाले वेजिटेबल्स जो रूट वेजिटेबल्स हैं, और आपके सीरियल्स भी आते हैं, ठीक है। तो वन स्टार्च एक्सचेंज के अंदर सेम आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन, 0 to 1 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज। सिर्फ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं और फिर उनके पोर्शंस डिफरेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वॉफल खाना चाहती हूँ तो वो मैं एक खाऊंगी, लेकिन अगर मैं या अगर इसको छोड़ दें, अगर मैं कॉर्न खाना चाहती हूँ तो मैं वो हाफ कप खाऊंगी, लेकिन अगर मैं बेक्ड बीन्स खाना चाहती हूँ तो वो मैं 1/3 खाऊंगी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं ये बीन्स पीज और कॉर्न्स खाना चाहती हूँ तो वो मैं 1 कप खाऊंगी, ठीक है। तो पोर्शंस आपके डिफरेंट हैं लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स सेम मिल रहे हैं। अब अगर आप में से किसी को भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, और आप अपनी कैलोरीज जो हैं मेंटेन करना चाहते हैं, 80 कैलोरीज ही लेना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको कौन सी आपकी वेजिटेबल आपको मिल रही है जिसका पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे स्क्वाश जो है 1 कप मिल रही है, और आपको स्वीट पोटैटोज जो है हाफ कप मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए खाना बेहतर है बजाय ये कि आप 1/4 नान खाएं, ठीक है, तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन इससे आपका फिर भी पेट भर जाएगा। तो आपने इस तरीके से अक्लमंदी से अपना खाना जो है मील प्लान बनाना होता है, और मील प्लान बनाते हुए आपके लिए एक्सचेंज लिस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। देन अगेन, ये भी एग्जाम्पल है आपकी स्टार्च एक्सचेंजेस की, ठीक है। अब देखें, ईच स्टार्च में ईच ग्राम्स ईच सर्विंग इक्वल्स टू 80 कैलोरीज एंड 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें डिफरेंट सर्विंग्स हैं, ठीक है। अब स्टार्च के अंदर डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल्स और पास्ता का, सीरियल ग्रीन पास्ता का ग्रुप अलग है, स्टार्ची वेजिटेबल्स का ग्रुप अलग है, ब्रेड्स और क्रैकर्स का ग्रुप अलग है, फ्रूट का अलग है,
मिल्क का अलग है, ठीक है, और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का अलग है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं अगर ले रही हूँ आपका स्टार्च ले रही हूँ, ठीक है, तो स्टार्च के अंदर मैं यहाँ से हर जगह से मैं जो है आपकी देख सकती हूँ कि कितनी जो है कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, ठीक है। हर ग्रुप में से आपकी तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सेम है, स्टार्च में भी सेम है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, मिल्क में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रही है। तो इस तरीके से मैं कोई भी यहाँ से फूड आइटम उठाऊंगी तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए अपना मील प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपने सिंपली फूड ग्रुप्स में से एक फूड ग्रुप के बजाय दूसरा फूड ग्रुप एक्सचेंज कर देना होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आप लेंगे तो उसकी कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज आपकी सेम रहेंगी, सिर्फ पोर्शन साइजेस डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये आपकी जो एक्सचेंज लिस्ट हैं ये डाइट प्लानिंग में काम आती हैं, आपके हॉस्पिटल्स में और डाइट पर्सनल कोई भी डाइट प्लान बनाना हो तो, ठीक है। इसमें होता क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम रहती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सेम रहे, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाती है विटामिंस और मिनरल्स वाली, तो इस तरीके से आप जो हैं अपनी कैलोरीज मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और ये अगर आपकी अभी भी नहीं समझ आया तो देन आई विल प्रिपेयर अ मोर डिटेल्ड एंड थॉरो लेक्चर फॉर यू, प्रिपेयर्ड विद ऑल द पिक्चर्स एंड रिप्रेजेंटेशंस एंड इलस्ट्रेशंस। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर मैं आपके लिए एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो वी कैन मूव ऑन और हम इसी पर आगे जो है मील प्लानिंग की बेसिस पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसेंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।